कि हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, और ख़वातीन की इज्जत करना वैसे भी हमारे रिलीजन में भी है, हमारे माशरे में भी है, और यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ बैठी हुई लुत्फ़ानंदोज़ हो रही हैं। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपकी मुलाकात एक टैलेंटेड आर्टिस्ट से करवा रहा हूँ। उनको आपने टेलीविज़न के बहुत सारे प्रोग्रामों में देखा, कभी वो कुछ बन के आते हैं, कभी वो कुछ बन के आते हैं, लेकिन उनका एक खाका जो है ना वो बड़ा मशहूर हुआ, वो जिसमें वो कुछ जिक्र करते हैं एक ख़ास जानवर का। मैं उनको बुलवा रहा हूँ आपकी तालियों में, तशरीफ़ ला रहे हैं सलमान शाहिद। क्या हो रहा है जी? यहाँ क्या हो रहा है जी? मैंने कहा कि यहाँ बड़े सारे लोग जमा हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ क्या हो रहा है। अवार्ड शवार्ड दे रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर सुप्रीम पीटीवी अवार्ड हो रहा है। इन सारों को दे रहे हैं? नहीं नहीं, सबको तो नहीं दिया जा सकता, जो डिजर्व करते हैं, जो मुकाबले में कामयाब होते हैं उनको दिया जाता है। नहीं, 10 साल बाद दे रहे हैं तो सारों को ही दे दें। नहीं, अच्छा मैं कह रहा था कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है जी। तो इसके अंदर मैं एक छोटी सी, मेरे पास एक कहानी है, मैं सोच रहा था आपको मैं वो कहानी सुना दूँ। नहीं, असल में देखिए बात यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है इस कहानियों के। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मेरे कजन ने खुद कलम बंद की है अफ्रीका के जंगलों के बारे में, उसके अंदर दो वो भी हैं। अच्छा अच्छा, कौन है? तो वो एक छोटा और एक बड़ा। एक छोटा और एक बड़ा, मैं समझा नहीं, कौन? गेंडे, दो गेंडों की कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप मुझे कहता है तो मैं मानसिन को सुनाऊं, बहुत महसूस होंगे ये सारे के सारे। गेंडों की कहानी? जी जी। अच्छा सुनाइए। उसके अंदर दो दो दो, दो वो हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि ये बड़े दिल आप चाहते हैं तो मैं अंग्रेजी के अंदर भी सुना सकता हूँ, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ टू गेंडास। इनको अंग्रेजी के अंदर, मुझे अंग्रेजी आती है, आप मेरा इम्तिहान लें, जो बात आप कहेंगे उर्दू के अंदर मैं उसका तर्जुमा अंग्रेजी के अंदर भी आपको करके सुना दूंगा। अच्छा अच्छा, तो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं आप? ठीक है, मैं समझ गया कि सो यू कैन स्पीक इंग्लिश। जी जी, अंग्रेजी आप मेरा इम्तिहान ले लें, आप चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं अंग्रेजी में सुना देता हूँ, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ टू गेंडास। आपका पैर मेरे पैर पे है। My foot is on your foot. अरे नहीं भाई, मेरे पैर पे आपका पैर है। Your foot is on my foot. अरे नहीं भाई, मेरे पैर के ऊपर आपका पैर दबा हुआ है। My foot is pressurizing on your foot. अरे भाई, आप बाप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप आई एम सीइंग। नहीं नहीं, आपका जो पैर है ना वो मेरे पैर के ऊपर है। ओ, माय फुट इज ऑन टॉप ऑफ योर फुट। अरे भाई, मेरा पैर आपके पैर के नीचे है। अंडर योर फुट। अरे भाई, मेरा पैर तुम्हारे पैर के अंदर फिस गया है। फिसने की अंग्रेजी मुझे नहीं आती। पैर अड़ाओ, पैर अड़ाओ। जान निकाल दी एक घंटे से। मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कोई गेंडे का पाँव तो आपके पाँव के ऊपर नहीं आ गया। वैसे मेरी कहानी के अंदर ये भी हिस्सा, जिधर जो एक गेंडा ना उसका पाँव दूसरे के गेंडे के पाँव के ऊपर आ जाता है, तो अगर आप कहते हैं मैं जल्दी से सुना देता हूँ। सुनाए। पर दो गेंडों की कहानी थी। हाँ। दोनों गेंडे जो हैं वो जंगल के अंदर जा रहे थे, तो चलते 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 उन्होंने एकदम देखा, दरख्तों के ऊपर गेंडे, तालाब के अंदर गेंडे, हर तरफ गेंडे, झाड़ियों के अंदर गेंडे। तो उनको पता लगा तो ये तो गेंडों वाला मुल्क है। तो फिर वो ये मेरे घूसे में गेंडे, मेरे जूते में गेंडे, खुदा के वास्ते चले जा गेंडे, माफ कर दे गेंडे।
अच्छा, वैसे मैं बाद में आके फिर सुना सकता हूँ? नहीं 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 भाई, आप अवार्ड रोके हुए खुदा के वास्ते, मैं फिर बाद में आके सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गेंडा जा रहा है।